उज्जैन के खाचरौद थाना क्षेत्र में गायों से भरे हुए ट्रक में अचानक आग लग गई, जिसमें करीब 12 से ज्यादा गायों की जलने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि गायों का अवैध परिवहन किया जा रहा था और 100 से ज्यादा गायें ट्रक में भरी हुई थी। उज्जैन बड़नगर को जाने वाला रोड हो या फिर उज्जैन से जावरा या फिर अन्य शहर को जाने वाले प्रमुख रोड हो, इन प्रमुख रोडों पर देर रात को तेज स्पीड से पशु भरकर ले जाते हुए बड़े बड़े वाहनों को देखा जा सकता है और यह पशुओं से भरे हुए वाहन देर रात को इस कदर स्पीड में भागते हैं कि गलती से भी यदि कोई वाहन सामने आ जाए तो उसे हटाया तो नहीं जा सकता, बल्कि उस चालक की खैर नहीं। उज्जैन शहर के तमाम शहरों को जाने वाली सड़कों से समय पशु भरकर ले जाने वाले वाहनों का आतंक मचा हुआ है। सड़कों पर खाचरौद थाना क्षेत्र में एक ट्रक में अंदर 100 से ज़्यादा गाय की भरी हुई थी और आग लग गई। ड्राइवर आग लगी हुई ट्रक को ही दौड़ा रहा था। खाचरौद थाने में पुलिस कर्मियों ने पहुंचे और मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कोई कार्यकर्ता ने जिस थाना के अंतर्गत डेली गायों की गाड़ी निकल रही है, लेकिन थाने वाले भी एंट्री ले रहे हैं, पैसे लेके तोड़ बट्टा करके गाड़ियां निकाल देते हैं। कुछ उस गाड़ी वाले पे जब इतनी ITO पासिंग में भी एक वाहन के अंदर दो गोवंश या दो गाय कैडे दो जानवर भरने का है, लेकिन वो 30-30 भर रहे हैं, ये लापरवाही सबसे ज़्यादा तो थाने वालों की है, पुलिस प्रशासन की है। पुलिस को इस चीज़ को जहाँ से भरा रही वो भी तो कोई हार्ट होगा या फिर कहीं से भरा रही किसी के थाना के अंतर्गत भरा रही, तो थाने वालों को ध्यान रखना चाहिए। इसकी तमाम जान मतलब ये पूरी जवाबदारी ड्राइवर की और गाड़ी मालिक की तो कहीं थी, उसने भी बॉडी लापरवाही करी। अगर वो चाहता तो गाड़ी रोक कर कहीं खाली कर सकता था या रस्सी काट के आधे गौवंश को बचा सकता था, क्योंकि आग देख के वाहन में से अपने आप गाय कूद जाती। और जिस थाने वाले की भी सबसे ज़्यादा पुलिस बहुत लापरवाह है इस मामले को लेकर। हर क्षेत्र में देखा गया है कि पुलिस गाड़ियों से एंट्री लेकर गाड़ियाँ छोड़ रही है, इसलिए जिस थाने के अंतर्गत से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।